असलम मैं आपका मेज़बान समीब रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान की सियासत फैसला कन मोड़ में दाखिल हो चुकी है इमरान ख़ान के बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि सेप्टेम्बर में वो कॉल देंगे बहुत एक हैक्टेक एक्टिविटी हो रही है एक बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान की इस वक्त अमरीका में है रात अमरीका में वो शख्सियत पहुँची है और अहम मुजाकर उसमें यकीन जो ख़ते को दरपेश मसाइल हैं उन पर भी बात हुई होगी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का बहुत गहरा ताल्लुक है खत्े के हालात से आज मेरा सारा जो वी लॉग है वो इसी के गर्द घूमेगा कि अब चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के और दुनिया पाकिस्तान के लिए क्या रोल तजवीज़ करने जा रही है और पाकिस्तान के अवाम इस सारी सूरत हाल में जो असल स्टेक होल्डर हैं वो क्या चाह रहे हैं और पाकिस्तान की वो लीडरशिप जो पाकिस्तान के आवाम को रिप्रेजेंट करती है वो किस कोशिश में हमें नज़र आती है बहुत गौर से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा एक बात तो तय है कि अगर जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान ख़ान साहब ने किया है सितंबर में अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता है अगर हकीकी मायनों में लोग इस्लामाबाद की तरफ आते हैं के पी के से पंजाब में आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान से तो शहबाज हकूमत का कोई मुस्तबिल नहीं है शहबाज हकूमत इज गोइंग टू फॉल डाउन और फिर इलेक्शन पाकिस्तान के लिए वो बहुत नज़दीक हो जाएंगे लेकिन ये इफ्स एंड बट्स में है इमरान खान ने जिस हिम्मत से ऐलान किया है उनके जो करीबी जराए हैं वो कहते हैं कि ये इस दफ़ा कोई इमरान खान साहब का जो प्लान है उसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये उनको बड़ी एक ब्रीफिंग में ये बता दिया गया कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई मुआशी इस्तेकाम अगर लाने की कोई कोशिश नहीं की गई तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा अब इस ये तो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक सूरत हाल अब इस सारी सूरत हाल में अमरीका पाकिस्तान से क्या चाहता है अमरीका की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाले जो बरतानिया सरकार है वो क्या चाहती है ये बहुत अहम सवाल है एक बहुत अहम शख्सियत वो शख्सियत जो शायद पाकिस्तान में जो दो तीन पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से एक वो अमरीका पहुँची हैं यकीन पाकिस्तान के मफादत सबके सामने हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो इकतदी सूरत हाल है वो सामने है अभी तक हम जिस कैंप में हैं वो अमेरिका उसको लीड करता है क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा जो लेन देन है हमारे जो कर्ज़े हैं वर्ल्ड बैंक से हैं आई से हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से हैं ये वो बैंक हैं जो मगरब ने कायम किए अपना सियासी असर और रसूख बढ़ाने के लिए उन रियासतों पर उन हुकूमतों पर जिनके माली हालत जिनकी माली हालत कमज़ोर होती है कर्जा दिया जाता है थोड़ा सा फिर उसको जकड़ा जाता है कर्जे की शराय में उस मुल्क को और अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस मजबूर किया जाता है कि वो उन पॉलिसीज पर अमल करें नहीं तो ये कहा जाता है कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे दुनिया से आप कोई चीज नहीं मंगवा सकेंगे आपके पास तेल के पैसे नहीं होंगे आपकी कोई एल नहीं खोलेगा वगैरह 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 अब इस वक्त बहुत अहम जो गुफ्तु है वो वाशिंगटन डी में हो रही होगी उसके गिर्दाह में हो रही होगी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की है टाइट लिप्ट है बोलने के लिए तैयार नहीं ये जो मोबाइल है मेरे हाथ में आप यकीन करें व्हाट्सएप है कुछ है कोई बंदा इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं वो कहते हैं कि जनाब हर चीज़ बग्ड है जब ये पूछते हैं कि कौन बग कर रहा है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है अफरा तफरी सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी है ना मारने वाले को पता है कि वो क्यों मार रहा है और ना मरने वाले को पता कि उसका कसूर क्या कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं लेकिन अगले अड़तालीस घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है इस वक्त जो गुफ्तु जो हो रही है अमरीका में वो बहुत अहम है फिर इसके अलावा इसमें जो सेशन है वो बरतानिया में भी हो सकते हैं आपको पता है जो आमदो रफ्त है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आम आदमी तक बहुत बाद में पहुंचती है हम तो रात को कुछ ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कहां पर जहाज़ जा रहे हैं कहां पर लोगों की मूवमेंट है तो पता चला कि एक जो मूवमेंट है वो इटली जा रुक गई है और जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो अमरीका है अब कुछ लोगों की प्रवास होएगी दो दिनों के बाद यहाँ से पाकिस्तान से वो लंदन जाएंगे वहाँ पर उनका अपना सलाम मशवरा होगा फिर वाशिंगटन से भी एडवाइस आ जाएगी तो फैसला होगा कि किस तरफ हमने जाना है हर इस वक्त जो जो कान है वो सरगोशी सुनने के लिए तैयार है कि ये जो अहम दौरा अमेरिका का इटली में भी स्टॉप ओवर हुआ हो सकता है लंदन भी चाय वाय पीने के लिए कुछ क्या हो जाए क्या इसका आउटकम होगा पाकिस्तान का जो मफाद है यहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है पिंडी में इस्लामाबाद में कि इंतबात जल्द इंतबात बड़ा सवाल ये है कि वो इंतखाबात कौन कराएगा क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पहले ये तय करना पड़ता है आपको कि जो आने वाला सेटअप है वो सेटअप कौन बनाएगा यहाँ पर अगर ये फैसला किसी के बारे में हो भी जाए कि उसको निकालना है तो उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक ये तय ना हो जाए कि इसको रिप्लेस किसने करना है तो ये जो इस वक्त अब एक बात तो तय है कि ये जो रिजीम है शहबाज शरीफ की ये सरवाइव नहीं करेगी ये फैसला जो लोग करते हैं इस दुनिया में उन्होंने ये कर लिया है कि जो मौजूदा रिजीम है जिसमें आसफ जरदारी साहब हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी है मौलाना फजल रहमान है इसके दिन अब गिने जा चुके हैं ये चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात है निगरान सेटअप कौन बनाएगा उसके क्या खाल होंगे क्या वो सिर्फ इलेक्शन के लिए होगा या कोई उसमें रिफ़ॉर्म्स का एजेंडा भी डाला जाएगा ये फैसला होना बाकी है अब इसमें इमरान खान साहब की कोशिश ये है वो ये कहते हैं कि जो रिफ़ॉर्म्स हैं जो तकर्रियाँ हैं या जो अहम डिसीजन हैं वो आप आने वाली हुकूमत पर छोड़ दें लेकिन इलेक्शन जो हैं, वो आप शफाफ करवाएं गैर जानबदार करवाएं और उस गैर जानेबदार इलेक्शन के लिए जिसको तमाम ग्रुप्स स्टेक होल्डर जमातें एक्सेप्ट करें जरूरी है कि निगरान हकूमत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जिन पर लोग एतबार करें और इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर वह इमरान खान साहब कहते हैं वह पाकिस्तान का नहीं वह नून लीग का है तो अब जो एक बड़ी डिमांड है उनकी कि सेटअप ऐसा हो निगरान कि जो शफाफ इलेक्शन करवा सके ये सारे मामला हैं लेकिन चाइना के साथ क्या करना है सी पैक का क्या मुस्तबिल है क्या हमने रशिया से गंदम खरीदनी है या नहीं अफगानिस्तान के अंदर क्या सेटअप आगे मजीद बनना है जाके बहुत ही अहम सवाल हैं और बड़ी अहम गुफ्तु हो रही है और अगले अड़तालीस घंटे जो हैं वो बहुत अहम है रवीला ख़त्म करने से पहले आपको एक और जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में वो आपके गोश गुजार है वो ये है कि मज़ब कार्ड को फिर दोबारा खेलने की कोशिश की जा रही है इमरान खान के खिलाफ वो डोमेस्टिक कुवतें जाहिर है जो जिनकी अब हुकूमत है वो तो ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की हकूमत आए और वो यहाँ से रुखसत हों तो उन्होंने एक और इमरान खान पर जलगार की है और वो है मजहबी इशूज़ पर नामों से रिसालत के हवाले से हालांकि इमरान खान साहब हमेशा ये बताते हैं कि रमत आमिन अथॉरिटी उन्होंने बनाई और इस्लामो फोबिया के बारे में जो उन्होंने बात की और नबी पाक सल्ला वसम की ज़ात मुबारक का जो तकद्दस और जो इज्ज़त मुसलमानों के दिलों में है या उनकी जो हैसियत है उसकी बिना पर वो किसी तरह का ना कभी कोई मज़ाक बर्दाशत करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं और ये जो मगरब में अपने उनके मजहबी मायदीन के ख़िलाफ़ जो कुछ भी होता है वो मुसलमान इस बात को हमारे नबी के हवाले से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो वो जो मामला है उसमें इम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को और उसमें मरीम नवाज़ का जो सेल है मुबैना तौर पर वो पेश पेश है और मुख्तलफ़ हमें पोस्ट नज़र आती हैं जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को इसमें इम्प्लिकेट किया जा सके इन हमारे पास जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और स्टे ट्यून टू आर चैनल फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अल्लाह ने के बाद